हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आई सेंटर जयपुर तो आज मैं आपको पी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ uh, क्योंकि पी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टीन से स्टार्ट हो जाती है तो पेरेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं कि पी वाले जो बच्चे हैं उनको आगे जाके उनका फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या कॉम्प्लीकेशनस हो जाएंगे तो so, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो रूरल बैकग्राउंड के या जो थोड़ा कम समझते हैं उनको बस एक टर्म पता है पी तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर पी बच्चे को हो गया है तो उसको आगे जाके बच्चे होंगे ही नहीं बहुत सारे लोग भी उनको आसपास में ऐसा कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से वो वरिड हो जाते हैं और वो मुझे आके ये कहते हैं कि मैम क्या हमें इस प्रॉब्लम के लिए बच्चे की शादी जल्दी करनी पड़ेगी क्या हमें बच्ची शादी कर लेगी तो फिर उसको जल्दी बच्चे प्लान करने पड़ेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि पी में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होती है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करना ही पड़ेगा पी एक लाइफ डिजीज़ है और पी को कंट्रोल करने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है डाइट कंट्रोल आपको हेल्दी फूड खाना है और रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है उससे काफ़ी हद तक पी कंट्रोल हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट पी के नेचुरली कंसीव हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि सारे पी पेशेंट्स को बच्चा लगने की दवाई करवानी ही पड़ेगी बट हाँ डेफिनेटली क्योंकि पी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसपे बॉडी के सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है ऐसा नहीं है कि बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी है कोई बट इम्बेलेंस हो जाता है इम्बेलेंस होने से क्या होता है एक्चुअली एग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता अगर एग नहीं बनेगा तो नेचुरल है कि प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी आएगी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पी पेशेंट्स को कभी एग बन ही नहीं सकता है उनको कई बार नेचुरली एग बन जाता है और काफ़ी बार उनको कुछ दवाइयाँ लेने से एग बन जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे कंसीव विद सिंपल ट्रीटमेंट तो ऐसा कुछ भी पीसीओडी पेशेंट्स में अर्जेंसी नहीं है कि आपको जल्दी शादी करके जल्दी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे पर हाँ डेफिनेटली पीसीओडी को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो पीसीओडी बढ़ता चला जाता है बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो पहले लीन एंड थिन होते हैं और उनको फिर हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद उनके लाइफ क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्टडीज़ में रहते हैं सेडेंट्री लाइफ ज़्यादा होती है और उनकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी होती है उसकी वजह से ग्रेजुअली ओवर टाइम बहुत थिन पेशेंट्स को भी मैंने तीन चार साल बाद बहुत ज़्यादा वेट फूट ऑन करते हुए देखा है तो मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि इतना वरी करने के बजाय बच्चे को थोड़ा सा आप अवेयर करिए हेल्दी लाइफ और एक्सरसाइज को लेकर अगर वो सब बच्चे रेगुलरली करते हैं तो उनका पी बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है और वेन एवर दे गेट मैरिड वो बहुत ईजिली कंसीव हो जाते हैं नहीं भी होते तो सिंपल ट्रीटमेंट से मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स से कंसीव कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं पीसीओडी के जिनमें हार्मोनल डिस्टरबेंसेस ज़्यादा होते हैं बॉडी में एंड्रोज मतलब टेस्टोस्टेरोन और उस तरह के हॉर्मोन्स शरीर में ज़्यादा होते हैं वो केसेस थोड़े से अलग होते हैं तो उनका डिस्कशन हम जनरल पब्लिक के साथ करें उससे कोई मतलब नहीं है वो स्पेशलाइज केसेज हैं और उनको वन टू वन डिस्कस करा जाता है जिस भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उस पेशेंट को उसके बारे में उसकी हाइट वेट और हार्मोनल इश्यूज से संबंधित उसको इंडिविजुअलाइज्ड सलाह दी जाती है आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा थैंक यू